आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो हमें उम्मीद की एक झलक दिखाती है। अफगानिस्तान में जर्मनी हुकूमत की मंसूबे और इमदाद। 2001 के बाद से जर्मनी अफगानिस्तान की तामीर नो और तरक्की में एक अहम शराकत दार रहा, जिसने $2 बिलियन से ज्यादा इमदाद फराहम की। ये लोगों की जिंदगियों में हकीकी बेहतरी में तर्जुमा करता है। जर्मन मंसूबों ने तामीराती और बुनियादी ढांचे से लेकर वानाई और समाजी तरक्की तक मुख्तलिफ शोबों में मदद की। ताप पानी और सफाई, शमसी तवानाई, कौमी यकजहती प्रोग्राम, तालीम और पेशावराना तरबियत। दही तरक्की पर जर्मनी की तवज्जो इस बात को यकीनी बनाती है इमदाद उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। रात जैसे देहात में अपाशी के लिए छोटे डैम और ख्वातीन की मंडियों जैसे मंसूबे शामिल तरक्की की अजम को बताती है। अफगानिस्तान में जर्मनी मंसूबे सिर्फ कहानियां नहीं है, छूने वाली जिंदगियों, फायदा होने वाले मौके और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद के बारे में है। पानी और बिजली जैसे बुनियादी जरूरियात तक रसाई से लेकर तालीम और मौसिलात की ताकत सुबह हकीकी तब्दीली ला रही है। जर्मनी अफगानिस्तान को मदद देने वाली तीसरा बड़ा मुल्क है जो अफगानिस्तान की तरक्की के लिए हकीकी अजम का इजहार करता है। तालीम, बुनियादी ढांचे और समाजी शोबों पर इनकी तवज्जो, समाजी शोबों में उनकी तवज्जो एक मुस्तकिम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए तवील मुद्दती विजन को जाहिर करती है।